सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी टास्क को और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो अब सबसे पहले मैं अपनी तरफ से लेट कर लेती हूँ कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है। ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स और आर कोई भी रिलेशन है एंड आर बी द रिलेशन। अब डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब होगा सारे के सारे ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आर। आर मतलब रिलेशन के सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स। और रेंज का मतलब होगा सारे के सारे कंपोनेंट्स सेकंड कंपोनेंट्स रिलेशन के। तो और कोडोमेन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ बी, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जिसमें ए है 1, 8, 27, 64 और 125 और बी के जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और आर उसने जो रिलेशन दी है इज द रिलेशन इज क्यूब ऑफ। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को करने के लिए हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे? जैसे रिलेशन में उसने लिखा है इज अ क्यूब ऑफ, तो रिलेशन क्या बनेगी? 1, 1 और ऐसे ही 8, 2 मतलब 2 का क्यूब हुआ 8, ऐसे ही 27 और 3, ऐसे 64 और 4 और 125 और 5। आगे नहीं बनेगा क्योंकि 6 का इन्होंने क्यूब यहाँ पे नहीं दिया हुआ। रिलेशन आपने बना ली, अब वो पूछ रहा है डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन सारे के सारे कंपोनेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन के, मतलब ये 1, 8, 27, 64 और 125 1, 8, 27, 64 और 125। तो ये हो गया आपके पास डोमेन रिलेशन की। और रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ रिलेशन सेकंड कंपोनेंट रिलेशन के क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये था 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डोमेन और रेंज तो ऐसे निकल जाएगी। और कोडोमेन कैसे निकलेगा? कोडोमेन ऑफ रिलेशन उसने बोला था सारे के सारे एलिमेंट्स किसके? बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ऐसे आपके पास कोडोमेन निकलेगा।